लेस्को बाबरा शेखुपुरा के ऑफिस में एससी लेस्को शेखुपुरा जुल्फकार अली बलोच की हिदायत पर सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इंजीनियर आसिफ रजा से। जी बिल्कुल, लेस्को बाबरा शेखुपुरा के ऑफिस में एसई लेस्को शेखुपुरा जुल्फकार अली बलोच की हिदायत पर सेफ्टी सेमिनार का इनकार किया गया। इस मौके पर एक्सियन सिटी डिवीज़न राशिद सुमरो, एक्सियन आबद हुसैन गुज्जर रूरल डिवीज़न, तमाम एसडीओ बाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के सर्कल चेयरमैन राना मोहम्मद शफीक, चेयरमैन रूरल डिवीज़न सैयद वाजिद अली शाह, सिटी डिवीज़न चेयरमैन मिर्ज़ा अशरफ और दीगर अहदेदारान और लाइन स्टाफ भी मौजूद थे। एससी लेस्को शेखुपुरा जुल्फकार अली बलोच ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि बरसात के दिनों में सेफ्टी के असूलों पर सख्ती से अमल किया जाए, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने से हादसात में कमी आती है। लेस्को के मेहनत कश हमारे माथे का झूमर है, जिनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज है। मजीद उन्होंने और दीगर अहदेदारान का वाबडा मुलाजमीन से बात करते हुए कहना था कि याद दहानी करानी है सेफ्टी की के असूलों पे काम करना है, सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं और जो कोई पुरानी कोई एक्सीडेंट हूँ या कोई मिसहैप हुए हूँ उनको हमने डिस्कस करना है ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। सेफ्टी का मकसद ये है कि लाइनमैन एयरलाइन की जान की हिफाजत और आम नास की जान और माल की हिफाजत करें। सबसे पहले लाइनमैन को अपनी जान और माल की हिफाजत करें। हम बार बार कहते हैं जब भी काम किया जाए, लाइनिंग काम पर जाए, मेरे उस वर्क प्लान को जहन से देखे, अपने वहाँ पे हैजर्ड्स देखे केड़े केड़े हैजर्ड्स हैं, फिर पीटीडब्ल्यू लेके चारों तरफ से, अगर चारों तरफ से लाइन गुजर रही है चारों तरफ से लाइन को अर्थ करे, तो उसके बाद मुकम्मल अपनी टीएनपी का इस्तेमाल करें। सेफ्टी सेमिनार के सिलसिले में हर महीने हम तकरीबन इकट्ठे होते हैं सिर्फ आप लोगों को याद दहानी करवाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों ने जो महकमे के सेफ्टी के जितने पैरामीटर हैं उनको अडॉप्ट करने हैं लाइन पे काम करते हुए और अपनी जान की हिफाजत करनी। सानू अपनी जान का ख्याल करना चाहिए, जिथे भी खंभा शिफ्ट करना है उत्थे क्रेन जाती है, बकट हर दफ्तर की मजबूरी है। अगर इमान अलार्म बकट के अंदर खिलोएगा तो बिल्कुल 100% महफूज रहेगा। हर दफ्तर मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिफ तफसीलात से आगाह करने का।